हेलो अभिवान, वेलकम टू सियरा मल्होत्रा क्लासेस। तो आईएफएससी ग्रेड एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में जो प्री का एग्जामिनेशन हुआ था 1 सितंबर को, उसका रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं करा गया है। कहीं ना कहीं 2 हफ्ते का टाइम निकल चुका है और आप मान सकते हैं कि भारी डिले हो गया है रिजल्ट के अनाउंसमेंट में। तो सुनने में आ रही बात है कि आईबीपीएस इस समय बहुत प्रेशर में है, काफी एग्जामिनेशन एक साथ आ गए और जो डिले हो रहा है रिजल्ट के अनाउंसमेंट में वो उनकी तरफ से हो रहा है। अगर आज के दिन रिजल्ट अनाउंस नहीं करा जाता तो आप मान के चले कि अगले 2 दिन भी रिजल्ट को अनाउंस करने के बहुत कम चांसेस हैं। अभी तक वीकेंड पे कभी भी रिजल्ट को अनाउंस नहीं करा गया, छुट्टी मनाते हैं ये। तो अब जो आईएफएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहा है उसके लिए अगले 2 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आपको लगता है थोड़ा सा चांस है एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, क्या पता हो क्या पता ना हो, तो आपको ये 2 दिन को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप 2 टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, और आपको कहीं ना कहीं आगे के एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। ये 2 टॉपिक है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इसके रिस्पेक्ट में एम्पल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। आप यूट्यूब पर जाइए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए और इस तरीके से प्रिपेयर करिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को कि अब एग्जामिनेशन से पहले बस एक बार इसको आपको रिवाइज करने के लिए उठाना पड़े। आप नोट्स वगैरह एकदम डिटेल में बनाएंगे, फैक्चुअल पेपर आता है आईएफएससी का, जितने फैक्ट्स आप याद कर लेंगे उतना आपका एग्जामिनेशन को क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। काफी सारे कंटेंट को मैंने अपनी वेबसाइट siramalhotraclasses.com पे ओपन कर रखा है, आप जाके उस कंटेंट को भी देख सकते हैं और कुछ टेस्ट भी मैंने ऐड करे वो भी मैं ओपन कर दूंगा, आप जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे, आप सारे के सारे प्रिपरेशन में अपने टाइम को फोकस करेंगे। ओके डाटा, बाय बाय।